सभी भाइयों को जय श्री राम। आज हम सभी भाई कोटा कलेक्ट्री आए हैं धरना प्रदर्शन करना, क्योंकि जिहादियों की सहूलियत के लिए 2 साल आयु हिंदू बहन बेटियों कम कर दी गई है। पहले तो 18 साल में लेकर भागते थे, अब 16 साल में लेकर भागी हैं। तो लव जिहाद को खुला खुला हमारी सरकार के द्वारा एक सुप्रीम भेंट है एक प्रकार की। अब जिहादी को और सहूलियत मिलेगी, और ये जो कानून निकाला गया 16 साल की बच्चियों के लिए शादी के लिए, इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा महीने भर में। इस कानून के चलते सीधा सीधा जिहादियों को एक प्रकार से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, जो कॉस्को एक्ट से उनको बचा सकता है। तो सभी भाइयों से निवेदन है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये गहलोत सरकार थोड़ा होश में आए और हिंदुओं के प्रति कुछ सोचे, क्योंकि कभी नहीं सोचती कि एक प्रकार से तालिबानी सरकार हुई पड़ी है। 16 साल की बच्चियों के लिए इनको क्या ज़रूरत आ गई थी, हम सभी भाई एक बार आप देखें। ये कानून सीधा सीधा लव जिहाद को सपोर्ट कर रहा है। इस कानून से आने वाले समय में आपकी घर की बच्चियां सुरक्षित नहीं रहने वाली। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करो, ताकि ये जानकारी सभी मित्रों भाइयों तक पहुंचे। और जिन लोगों को हमारी साथ बातें समझ में ना आए, एक बार आप गूगल करके राजस्थान सरकार द्वारा बाल विवाह से रिलेटेड भी एक कानून पारित करने की कोशिश की गई है, उसके विरोध में समस्त सेवार्थी शक्ति संगठन कलेक्ट्री पर अपना धरना देने और ज्ञापन देने आए कलेक्टर महोदय को। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें, और जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार गूगल करके राजस्थान सरकार द्वारा 16 साल की जो बच्चियों के लिए इन्होंने कानून पारित करने की कोशिश करी है, ये सीधा सीधा लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, इसका विरोध करें, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, और एक बार गूगल कर इस कानून के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। सभी भाइयों को जय श्री राम। आपका भाई बलवंत पाल सिंह, सेवार्थी शक्ति संगठन कोटा राजस्थान।